उसके नीचे पंजे चांद चांदी से वो चलती है, करती है। आगे जाए पीछे जाए दाएं बाएं वो उड़ जाए बुलाए मोटर गांव गए थे सब्जी की टोकरी में सो रहे थे बैंगन ने डांट दिया रो रहे थे गाजर ने प्यार किया तरस रहे थे बाबा ने पैसे दिए नाच रहे थे भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे आलू का जल मियां गा रहे थे सब्जी की टोकरी में सो रहे थे अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह
मछली जल में रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगा तो डर जाएगी, पानी वाले तो बढ़ जाएगी, पानी में डाले तो तैर जाएगी। लपटे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरे, जिंदगी शम की सूरत हो बुराया मेरी, दूर दुनिया का मेरे गम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, इनकी शम से हो मुझको मोहब्बत यार, वो मेरा का मैं गरीबों की मायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको, लपे काफी टाइम के मुताबिक मेरे मुंह में 32 दांत हैं। अब आप मजाया खबरें अपने कानों से सुनेंगे। अगर खाने के बाद आपका पेट बाहर निकले तो परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि हर चीज का दिल चाहता है मैं बाहर घूमूं। अजीम है वो औरतें जो घंटों बुराइयां करके कहती हैं, अरे छोड़ो हमें क्या लेना देना। मासूम सा सवाल, अगर रोते वक्त आंसू गिरते हैं तो हंसते वक्त दांत क्यों नहीं? चढ़ गया ना बुखार, लग गई ना नजर जमाने की, क्या जरूरत थी तुमसे सर्दी में नहाने की? अगर किसी के पास तमीज का नंबर है तो मुझे दे दो, लोग रोज मुझे कहते हैं तमीज से बात करो। मैं क्यों
देखो और किसी ईदान के लिए जाओ। अब मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहिए अपने कच पर, अल्लाह हाफिज़। मेरे अजीज साथियों अस्सलाम वालेकुम, आज हमारे साथ बहुत से नामवर और अजीम शुरा मौजूद हैं। सबसे पहले मैं दावत देता हूँ नवाब फिन साहब को और खान साहब किशमिश को, और इसके साथ मैं दावत देता हूँ नवाब शेख चिल्ली साहब को। तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, मैं तेरा भाई मेरी बहन। आजकल की लड़कियाँ हुसन पर नाज करती हैं, पहला कलमा आता नहीं इंग्लिश में बात करती हैं। जो लोग हमें पागल कहते हैं तो कहते रहे फ्रॉस, जो लोग हमें पागल कहते हैं तो कहते रहे फ्रॉस, हम ही कहते हैं जो कहता है गलत होता है। बैगन और मच्छर में लड़ाई, बड़ी खबर पाकिस्तान की शरीर नकारी पर वजीर आजम और उसकी टीम पर तालियां होनी चाहिए। अब हम आपको खबरों की तरफ लेके जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया तंदूर में धमाका इसी वक्त हुआ जब नान भाई रोटियां लगा रहा था, पांच रोटियां अपना दम तोड़ गई, दो रोटियां चंगे तक पहुंचते जख्मी रोटियों को दोबारा तोड़कर तंदूर में लगाने की हिदायत। अभी हमें ताज़ा खबर मिली है कि एक घर में मोटे बच्चे की हवा खारिज होने की इत्तला मिली है। अभी घर में एक घर का दिमाग फर्नीचर जल कर राख हो गया है, घर वालों से बच्चे के पैंपर की अपील जारी है। जैसे कि हमने आपको आगे बताया गोल बैंगन और भिंडी में तलाक, कद्दू की बहन भिंडी को तलाक दे दी और इसका जायजा सुप्रीम कोर्ट में लेके जा चुका है। अब हम इसका आगे फैसला कर रहे हैं कि हम इनको सुप्रीम कोर्ट के साथ आगे डाल के खाड़ियों में पका के डाल दिया जाएगा। अब हम लोगों की खबर का इहतमाम होता है और हम लोग थक गए हैं, हम लोगों के पेट में बर्गर नहीं चूहे दौड़ रहे हैं और हम लोग बर्गर शर्गर खाते हैं और आप लोग हमें भी चुनाए। और पाकिस्तान का खेल था बरतानिया के साथ, पाकिस्तान ने भी अपना आज खेल का अच्छा मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की टीम पर सलूट है कि वो अपने आज कुछ गेम का चौथा गोल भी हार गया। आज भी पाकिस्तान ने अपना खेल का रवायती खेल पेश किया, सलूट करें आप पाकिस्तान पर। मैं हूँ आपकी रिपोर्टर रायमा और मेरे साथ है हादिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके खिदमत में इलामा इकबाल से कुछ अशार पेश करना चाहती हूँ। तेरे सोपे हैं फरंगी तेरे काली है रानी, लहू मुझको रुलाती है, नौजवानों की तरह शादी। अकाबी रोज अपने दार होती है नौजवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों। What would you have? I would have a fruit cocktail. You stupid! Get lost! Fatma Salman? Yes, you get up and answer me. Okay. If I had 5 oranges in one hand and 8 apples in the other hand, what would I have? You have very large hands that can hold many fruits. Oh, stop it! Now get lost! Manifestation come here. Yes, teacher. Which is the shortest month of the year? What are you thinking? Whatever question I ask you have to answer at once. Do you understand? Yes, teacher. Now answer my question. Which is the shortest month of the year? At once, teacher. Get lost. Who knows the answer for this question? I know the answer. Okay. Come here and say it louder. Okay, madam, the shortest month is my madam. Can you say the reason? Because it has only 3 letters, M, A and Y. You stupid. Manoon Heather, you get up and answer me. Yes, teacher. What comes if you multiply 3 by 4? Well, madam. Good. Now tell me what comes if you multiply 4 by 3? 21, madam. What happened, madam? Madam, you have the same question upside down and I mean that the answer also would be upside down. Stupid, get lost.
आज हमारे साथ वो रजीब और नामवर शोरा मौजूद है। सबसे पहले मैं दावत देता हूँ पकड़ा साहब। लगता नहीं दिल मेरा उजड़े दियार में है, लगता नहीं दिल मेरा उजड़े दियार में है, किसकी बनी है ना हाल में पायदार में। उम्र दराज मांग कर लाए थे चार दिन, उम्र दराज मांग कर लाए थे चार दिन, दो आंसू में कट गए दो इंतजार में। आप दूसरी बार इसकी लड़ाई साहब जी आइए। तुमसे हम मिलने की क्या जुस्तजू करें, तुमसे हम मिलने की क्या जुस्तजू करें, तबीयत ज्यादा खराब है डॉक्टर से रिजू करें। अब मैं दावा देता हूँ लड़की की सुना। चलो आओ अब मौसम के मजे चखें, चलो आओ अब मौसम के मजे चखें, तमाम दवाइयाँ बचो के बहुत से दूर रखें। इन फार्मूलों से कह दो कहीं और जा बसे, इन फार्मूलों से कह दो कि कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिमागे ना असुदा हाल में। कितना है बदनसीब स्टूडेंट नकल के लिए, कितना है बदनसीब स्टूडेंट नकल के लिए, दो दो कागज के टुकड़े ना मिले पूरे हाल में। पप्पू वाले कपड़े समेटो। अच्छा साहब जी आया, एक तो साहब बिना हर वक्त काम 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 काम, वैसे तो काम हजार मुसीबत डाली हुई है, और तो मैंने तनख्वाह की बात करके रहनी है, मेरी तनख्वाह बढ़ाए। ओ बाजी 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 सलाम पामनी पामनी, तुम्हारे बारे जाए माटी कहे कहे हैं, मैंने कितनी बार के गाँव होते कह क्या होते है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। सलाम वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाया, हम लोग को ना शादी पे जाना है, तो जी बच्चों को अच्छे अच्छे दुपट्टे दिखा दे बाजी। नया माल जी, ब्रांडिंग क्या बाबाई के मुझसे आते हैं, बिल्कुल नया नया माल है हमारा। आगे देखे चमचम, आपके गोरे रंग के ऊपर माशाल्लाह बड़ा जचेगा, चमचम पूरा। और बाजी आगे देखे बाजी जी, बाजी मेरी बात सुने, ये आपको कहीं और काम नहीं देगा, पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, गुकी से ये गुकी गुकी कर रहा है। और ऊंची ओ बाजी जो भी बड़ा चमचम, आप देखिए आप मैं आपको बताता हूँ, आप इसको यूं भी ले सकती हैं, ठीक है आप इसको यूं भी ले सकती हैं, क्योंकि आप मॉडर्न मुझे लग रही हैं, तो फिर आप यूं सर पे तो आने देना नहीं है मेरे। अच्छा जी ठीक है भाई, ये करते हैं। और ये इसके लिए मेरी पार्टी भाई, ये ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ये अच्छा लग रहा था बाजी, हमारा ये तो ना खराब करे वो माल। बाजी अब ये देखे काला काला, तो आपको पता गोरे रंग के ऊपर जचता है ऊपर जाके, मेरा ये ड्रेस बाजी चाय शाय पिएंगे आप? नहीं हम तो चाय पिए, चले काली कॉफी पिएगी पप्पू, कॉफी बिस्कुट शिस्कुट खाएंगे आप? हां बोल रहे हैं और चाय के नाल बिस्कुट ले रहा हूं। ओके जी पाम नहीं मंगाए हैं यावे पार्टी। बाजी आप खाए ना बिस्कुट, कितने गंदे तरीके से खाते हैं भाई, तो आप डन हो गया इनको दिखाई पड़ी सारा शादी में जाना है आप ऐसा बयान कर ही मिलेगा। बिल्कुल भी तमीज़ नहीं आपके साथ, कस्टमर कर रहे हैं क्या ही हुई आप कर रहे हैं भाई ने आपको ये आपका ये प्राइस बताए थोड़े ना आपकी ना मेरी 1500 तो 2500 बाजी बार्गेनिंग नहीं करती, पार दुकान के ऊपर कोई बार आपको अपने काम से काम रखे हमारे बात में टांग।
अरे वो नमाज पढ़ रही हैं, आप गुनगुना क्यों रही हैं? वो अंदर जाके पढ़ रहे हैं, मैंने उन्हें कहा कि वो यहाँ पढ़े। अस्सलाम वालेकुम, आप आ गई हैं? नहीं, अभी रास्ते में है। अभी है, नजर नहीं आ रहा आपके सामने बैठी। अच्छा अच्छा, आपके लिए जूस लाऊं? जाओ जूस लेकर आओ। कॉफी ले दे और खुद लेकर आना। मैंने आपको नहीं था बुलाया, मैंने उन्हें बुलाया था और उन्हें बुलाया। आ रही हूँ जी, मैंने आपको बुलाया था, आप क्यों नहीं आई? मुझे कुछ काम था इसलिए नहीं आई। क्यों लगा? मैंने आपको कहा था ना, आपको पता है मैं किसी और से कोई चीज नहीं लेती। चलिए ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी, पर आज मैंने आपसे बात करनी है कि इस्लामिक फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमें आपको भी इस्लाम में रहना चाहिए और ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। और आप ये अपना क्या वजह बना के बैठी हैं, आपको इस्लामिक कपड़े पहनने चाहिए? आपसे पूछ के पहन लें, आप जैसी आप वैसी रहें और मैं जैसी हूँ मुझे वैसी रहें। और आपने काम से काम रखा बुरा देखे। मेरे वालिदैन ने मना किया है कि बदतमीज दोस्तों के साथ और कुछ ज़्यादा दिन नहीं रहना, तो अब मेरी और आपकी दोस्ती खत्म। लेकिन क्यों? और हाँ, जब जब तक आप अपनी बहन जैसी नमाजी नहीं बन जाती तब तक हम दोनों दोस्त नहीं बन सकते। ईमान लेकिन देखो ना, कुछ हुआ है? आपकी वजह से मेरी सारी दोस्तें चली गई। आप नमाज पढ़ती हैं, आपको देख के उन्होंने आपको देखा और उन्होंने मुझे देखा और आपकी नमाजें देख के मेरी सारी दोस्तें मेरी छोड़ के चली गई हैं। चली गए यहाँ से। आपको भी नमाज पढ़नी चाहिए? मेरी मर्जी, मैं जहाँ मर्जी करूँगी। चलिए ठीक है, आप एक बार कोशिश करिएगा, देखना आपको कितना सुकून मिलता है। आपका सारा दिल करेगा बैठने जाए ना। एक दफा नमाज पढ़ती ही देखती। नहीं नहीं, कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद। आपकी नमाज पढ़ के मुझे बहुत सुकून मिला और आइंदा मैं ऐसी नमाज पढ़ा करूंगी और दुपट्टा लेकर रखूंगी और आइंदा मैं आपसे कभी उठते नहीं करूंगी। अब हम बेस्ट फ्रेंड्स। मेरे अजीज साथियों, इस ड्रामे से मकसद था कि अगर हमारे पास दीन इस्लाम की कोई तालीम है तो हम उसको दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी दीन की राह पर चले और अच्छे काम करें। अगर हमारी तरह की कोशिश और मेरे दूसरों के दिनों को हम दीन इस्लाम से मुनव्वर कर सकते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, इसलिए हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए दीन इस्लाम को फैलाने और हमें पाँच वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए क्योंकि नमाज एक वाहिद जरिया है अल्लाह ताला से गुफ्तगू करने का। उर्दू है जिसका नाम हम जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम जानते हैं दाग, सारे जहां में है धूम हमारी जुबान की। उर्दू जुबान हजारों साल पहले 12वीं सदी में दरियाफ्त की गई। उर्दू जुबान का मान है लश्कर जो दो कौमों के दरमियान रबते का जरिया बनती है, इसलिए इंसान और हिंदू ने उर्दू जुबान का सहारा लिया गया। पाकिस्तान की उर्दू जुबान कौमी जुबान है। पाकिस्तान चारों सूबों में बोली और समझी जाती है। ये वाहि जुबान है जो बरसगीर के तौर अर्थ में बोली गई। तुम आसमान में गए तो चांद से कहना, तुम
आसमान पे गए तो चांद से है ना, जहाँ हम है वहाँ रोशनी बहुत कम है। बरसगीर में जिन मुस्लिम खानदानों ने हुकूमत की थी उनकी जबान फारसी थी, ये जबान बढ़ते बढ़ते पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। अब ये दौर है जहाँ अंग्रेजी को बोला जाता है और उर्दू को अहमियत नहीं दी जाती। हमारे बच्चे टूटी फूटी ही अंग्रेजी बोलते हैं मगर अंग्रेजी बोलने पे फख्र महसूस करते हैं, और हमारे खिलाड़ी भी जैसे ही अंग्रेजी बोलते हैं मगर उर्दू बोलने पर शर्मिंदा महसूस करते हैं। और अब पाकिस्तान में उर्दू बोलने वाले को जाहिल समझा जाता है और अंग्रेजी बोलने वाले को पढ़ा लिखा समझा जाता है, और आज भी हिंदुस्तान में उर्दू बोली जाती है। दोस्तों आज की जो हमारी गेस्ट है वो है कृष्ण वाली बाजी, तो आइए इनसे बात का आगाज करते हैं जो कि हमारे भाषा की बहुत जरूरी फर्ज है। तो आप कैसी हैं दी? जी बहुत सा। मैंने आपसे रवैये कम थी, आपके हाल चाल का कुछ? इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए आपको, आखिरकार आप एक चैनल के घोस्ट हैं। एक ही बात है वैसे, हेल्पलेसनेस मतलब मजबूरी है, बच्चों पर सख्ती करनी पड़ती है, अगर मैं उनसे नरमी से पेश आऊँगी तो वो नरमी का फ़ायदा उठाएंगे। जी तो मतलब आप चुपेड़ चुपड़ बाद चुपेड़ चुपेड़ तो स्टार्टर है, वरना घर वालों का गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन कैसे निकलेगी? बॉयफ्रेंड? एक्सक्यूज मी बेस्ट फ्रेंड, आपकी भी तबीयत ना सेट करने वाली हो गई है। अच्छा मैंने सुना है आपके पास बहुत ज़्यादा बच्चे, तो आप उनको हैंडल कैसे करते हैं? बहुत आराम से मैं हैंडल कर लेती हूँ, बहुत ईजी होता है मेरे लिए ये। बहुत ईजी होता है, मेरी अम्मी भी होती है, मेरी बहन भी होती है, मेरी पप्पो भी होती है, मेरी मामी भी होती है, अगर कोई मेहमान आ जाए तो। लेकिन कहानियों तो सिर्फ आप है ना, तो बच्चों को क्या ही पता चलता है, बच्चों को पढ़ना है वो हम पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को PhD करवा दी है। तो बेसिकली आप ट्यूशन सेंटर नहीं डेविड एकर सेंटर खोल के बैठे क्योंकि मैं ट्यूशन वाली बाजी और ट्यूशन वाली बाजी ही रहूँगी। एनी प्रॉब्लम यू हैव? एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा आपके पास और भी ऑप्शन थे, आपने यही करियर क्यों चूज किया ट्यूशन वाली बाजी? देखिए ट्यूशन वाली बाजी के बहुत फायदे हैं, बहुत। एक तो आपको घर का काम नहीं करना पड़ता, दूसरा कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता, बच्चे आते हैं सारा काम भी कर जाते हैं और पैसे भी दे जाते हैं और पूरे मोहल्ले की खबरें अलग मिल जाती हैं। अरे जबरदस्त। लेकिन मैंने तो सुना आपका घर बहुत छोटा है, तो आप बच्चों को कैसे वहाँ पे प्रिकॉशन कैसे हैंडल कर रहे हैं? बच्चों ने पढ़ना ही है ना, कौन सा मोटरसाइकिल चलानी है जो को बड़ी जगह चाहिए। वो मुझे याद आया वो कुलिये का जो छज्जा होता है वो। एक्सक्यूज मी आप मेरे घर के बारे में ऐसा बोल रहे हैं? अपना स्टूडियो देखा है, जिंदानी की बैठक जैसे है, ये पानी पानी पता नहीं किस गलती का रखा है, जूस मक्खी जूस। भाई काट देना। अच्छा जैसे कि आपने बताया कि आपके घर में कोई काम वगैरह करते हैं तो गोल रोटी हांडी वगैरह कौन करता है? वो मैंने क्यों करना है, बच्चे आते हैं ना लंच बॉक्स लेके उसमें हो जाते हैं सारा। आपको इतना भी नहीं पता लगता, वाकई नहीं पढ़े लिखे, शेयरिंग इज केयरिंग कभी सुना नहीं आपने ये लफ्ज? लेकिन आप ये खत्म है You don't daring to say this to me. I am tuition wali baji. What are you? I am a ghost. Yes. अच्छा एक और सवाल है मेरे पास आपके लिए, आपकी सब क्यों है कल मेरा जो वो है कैमरा मैन उसके बच्चों को आप इतना मारा है, आपको शर्म नहीं होती है बच्चों को इतना मार? जी नहीं आती शर्म, आपको कोई मसला है? जी दिमाग खराब कर रहे हैं, इंटरव्यू लेने वाला बुलाया है, इधर पर्सनल क्यों जा रहे हैं? पानी देखो ऐसे फिर से बड़ा कोई काम करके आए हैं। ये भी काट देना, अभी अपनी तरफ को काट देना, खबरदार जो तुमने काटा तो मेरे बच्चे पर ट्यूशन पढ़ने आते हैं फेल करा दूंगी मैं उन्हें। और आप क्या हर दफा कट कर दो शर्म नहीं आती आपको? इंटरव्यू लेने बुलाया है, चलने देना। अच्छा एक और सवाल है मेरे पास आपके लिए, जब बच्चे पास होते तो आप कहती जो है ट्यूशन बाजी कहती है हमारा क्रेडिट है, और जब बच्चे फेल हो जाते हैं तो कहती है ये घर वालों की गलती है, ये क्या है? तो ऑब्वियसली इसमें घर वालों की गलती होती है, पेपरों से एक महीना पहले बच्चा अपने हमारे पास डाल के चले जाते हैं और कहते हैं हमारे बच्चे की फर्स्ट पोजीशन आनी चाहिए, हमारे बच्चे की सेकंड पोजीशन आनी चाहिए, और जब फेल हो जाते हैं तो सारा नाम हम पे डाल देते हैं, सूट भी रह जाता है हमारा। हाँ सूट से याद आया, बच्चे पास तो आपको तो बहुत ज़्यादा सूट जमा होते होंगे। हाँ इतने गिफ्ट जमा देते हैं आपको क्या बताऊँ, चॉकलेट्स मिठाइयाँ कपड़े जूते।
आपकी तो लॉटरी लग जाती है, और ईद वगैरह पे क्या? ईद की तो मैं आपको क्या बताऊँ, इतना गोश्ता था, इतना गोश्ता था, इतना गोश्ता था, मेरी तो बल्ले बल्ले ही हो जाती है। अच्छा ये पापा जी, ये तो बात है, और जो आपको जो आपको कपड़े वगैरह मिलते हैं सूट वगैरह जो आपको पसंद आते हैं और आप रख देते हैं, जब उन्हें पसंद आता है उनका क्या करते हैं? हाँ, जो कपड़े मुझे पसंद आते हैं वो मैं रख लेती हूँ, और जो मुझे नहीं पसंद आते तो वो मैं इंस्टाग्राम के पेज पर लगा देती हूँ। गाइस मेरा एक इंस्टाग्राम का पेज भी है, आप उसको भी जरूर फॉलो कीजिएगा, TWB Leftovers। TWB Leftover मतलब ट्यूशन वाली बाजी लेफ्ट ओवर्स। वैसे आपको इतना तो पता होना ही चाहिए, जब किसी बंदे को बुलाते हैं ना इंटरव्यू लेने के लिए तो थोड़ी सी हकीक करके बुलाते हैं, यानी कि मुंह उठा के बुला लिया। तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की TWB यानी ट्यूशन वाली बाजी लेफ्ट ओवर्स। लेफ्ट ओवर्स भी हाँ जी, उनका लेफ्ट ओवर वाला पेज भी ठीक है। हाँ जी, उनका लेफ्ट ओवर पेज भी TWB Leftovers। हाँ जी, TWB Leftover वाला पेज भी ज्वाइन करें। हाँ आप लेट करते होंगे तो लेट हमारा आज का इंटरव्यू। अपने बच्चों को अल्लाह हमारे बच्चों को इन टीचरों से बचाएं, इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले इंटरव्यू में। थैंक यू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। और बन जा रे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी जमीन तेरे खून सही तो सजती संवरती है, आज तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, दिल ही पकड़ती है रांझे। ऐ मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरी ये सो दर्द रहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, लिखा न पड़े कोई रंग तेरा, जिस मुँह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला, कुर्बान हुआ तेरी अजमत पे, मैं कितना नसीबा वाला था। ऐ देश मेरे तेरी जान के फड़के, कोई गंध है क्या तेरे रूप से लड़के, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है मिर्ज़ा गालिब उर्दू अदब के बहुत मशहूर शायर हैं। आज मैं उनके चंद अशआर आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगी। दर्द हो जब दिल में तो दुआ कीजिए, दर्द हो जब दिल में तो दुआ कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। मौत के बाद मुझे जल्दी ना दफनाना गालिब, मौत के बाद मुझे जल्दी ना दफनाना गालिब, मेरे दोस्तों को देर से आने की आदत है। दुख देकर सवाल करते हो गालिब, दुख देकर सवाल करते हो गालिब, तुम भी कमाल करते हो। देखकर पूछ लिया मेरा हाल, देखकर पूछ लिया मेरा हाल, चलो कुछ तो ख्याल करते हो। ये दुनिया मतलब की है गालिब, तुम किस मुखलिस की बात करते हो। ये दुनिया मतलब की है गालिब, तुम किस मुखलिस की बात करते हो। लोग जनाजा पढ़ने आते हैं वो भी अपने सवाब की खातिर, लिखते लिखते कलम ही सूख गया, लिखते लिखते कलम ही सूख गया, मेरी माँ की तारीफों का जवाब ही नहीं। उम्मीद ना कर इस दुनिया में हम दर्दे की गालिब, उम्मीद ना कर इस दुनिया में हम दर्दे की गालिब, प्यार से दर्द देते हैं शिद्दत से चाहने वाले। बहुत सजदे किए किसी को पाने के लिए गालिब, बहुत सजदे किए किसी को पाने के लिए गालिब, जिस सजदे में उसे पाना था वही हमसे कदा हो गया। हाथों की लकीरों पे मज्जा गालिब, हाथों की लकीरों पे मज्जा गालिब, तकदीरें तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। हमने कहा अगर भूल जाओ तो कमाल हो जाए, हमने कहा अगर भूल जाओ तो कमाल हो जाए, हमने तो फकत बात की थी और उसने कमाल कर दिया। एक मुर्दे ने भी क्या खूब कहा है, एक मुर्दे ने भी क्या खूब कहा है, जो मेरी मौत पर रो रहे हैं अभी उठ जाओ तो जीने नहीं देंगे।
السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان پٹاخا اور میرے ساتھ ہیں مسٹر زکوٹا۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ خبریں آپ نے دونوں کانوں سے سن رہے ہوں گے۔ میں وقت دیکھے بغیر بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کے منہ پر 12 بجے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ویژن کی خاص خبریں، ویژن گرامر اسکول کے باتھ روم سے لوٹا گائے، سرسامہ نے اپنے کھوجی حافظ کو لوٹے کی تلاش پر لگا دیا، لوٹے کی تلاش چل رہی۔ رضائید اپنی بیزی سے ایسے پریشان، سروا سے صحت بنانے کے مشورے جاری۔ سائنس میں کم ہوتے نمبر سے پریشان، نوبت ہسپتال تک جا پہنچی اور ڈرپ نے بھی لگنے سے انکار کر دیا۔ پارٹی کے لیے تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، مقدمہ سرسامہ کی عدالت بھی جا پہنچا، میڈم مبینہ سے بھی تاریخ جلد دینے کا اظہار۔ سندھیا کی شاعری سن کر مرزا غالب کی روح قبر میں تڑپ اٹھی۔ ہم ہر آئی پڑھائی کے چلتے چلتے آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سے ملتے ہیں دوبارہ، اللہ حافظ۔